अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कल रात जेएनयू में एक मशाल यात्रा निकाली जिसमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। एबीवीपी की मशाल यात्रा जेएनयू के गंगा ढाबे से चंद्रभागा छात्रावास तक निकाली गई, जिसमें जेएनयू के अलग अलग विभागों के छात्रों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। छात्रों ने अपने हाथों में मशाल थामी हुई थी। इस मशाल यात्रा में एबीवीपी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी उमेश चंद्र अजमीरा, उपाध्यक्ष पद की प्रत्याशी दीपिका शर्मा, सचिव पद के प्रत्याशी अर्जुन आनंद एवं संयुक्त सचिव के प्रत्याशी गोविंद डांगी भी मौजूद रहे। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारे लगाए गए। जेएनयू में 22 मार्च को छात्र संघ चुनाव है। और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने इंटरनेशनल ड्रग स्मगलिंग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। डीआरआई ने 9 किलो से ज्यादा कोकीन जब्त किए, जिसकी कीमत 100 करोड़ के करीब बताई जा रही। डीआरआई ने कोकीन के साथ दो विदेशी महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों भारत में कोकीन की तस्करी करने के लिए इथियोपिया के अदिस अबाबा से आ रही थी। पूछताछ में ये भी पता चला है कि ड्रग तस्करी करने के लिए दिल्ली और आसपास के एरिया में भेजी गई थी। सिंडिकेट के दूसरे सदस्यों को पकड़ने के लिए डीआरआई की एक टीम ग्रेटर नोएडा भेजी गई। डीआरआई अधिकारियों ने स्थानीय अधिकारियों की मदद से ग्रेटर नोएडा में जाल बिछाया और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया।